एनएसयूआई के राष्ट्र सचिव और प्रदेश प्रभारी नीतीश गौर ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के छात्रों के साथ, किसानों के साथ और मजदूरों के साथ मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। वो 2018 में चुनी हुई सरकार को गद्दारों के बल पर गिराकर जनता के साथ खिलवाड़ किया है, जिसे प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही 25 सीटों पर होने वाले आगामी चुनाव में जनता सभी सीटों पर गद्दारों को हराएगी, जिन्होंने जनता के साथ गद्दारी की है। एनएसयूआई राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी नीतीश गौर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश की सभी उपचुनाव वाली सीटों पर परिवर्तन यात्रा जारी है और हम देख रहे हैं कि जनता गद्दारों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। साथ ही नीतीश गौर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है और भाजपा सरकार चंद दिनों की मेहमान है। बता दें, नीतीश गौर ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया और हाट पिपलिया एवं बांगर में अपनी परिवर्तन यात्रा के अंतर्गत एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को परिवर्तन में सहभागिता करने का आह्वान भी किया गया। इस अवसर पर उन्होंने एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष यशवीर सिंह गोयल को हाट पिपलिया विधानसभा हेतु एनएसयूआई का प्रभारी नियुक्त किया। कार्यक्रम में राजवीर सिंह बघेल, तवर सिंह चौहान, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आदि मौजूद थे। देखिए, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में आगामी 24 सीटों पर उपचुनाव हैं। इनको लेकर के एनएसयूआई ने अपनी पूरी तैयारी की है। पूरे प्रदेश में एक परिवर्तन नाम का कार्यक्रम एनएसयूआई द्वारा चलाया जा रहा है, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों के विभिन्न विभिन्न मुद्दों को लेकर के विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम छात्रों के बीच जाएंगे। सेक्टर स्तर तक, बूथ स्तर तक एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी छात्रों के साथ मिलकर के इन उपचुनावों में काम करने का काम करेंगे और जो जयचंदों द्वारा जनता के जनमत के साथ विश्वासघात करने का काम किया है, उनको, इस खरीदी हुई सरकार को परिवर्तित करने का काम एनएसयूआई करेगी और हम इसी के लिए पूरे 24 विधानसभाओं में हमारा एक परिवर्तन यात्रा निकल रही है। उसके बाद विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम होंगे तो हम उस कार्यक्रम को चलाएंगे, यही हमारा कार्यक्रम। किस प्रकार की तैयारियां हो रही है? उपचुनाव में हम छात्रों के मुद्दों को लेकर के जाएंगे। बूथ सेक्टर तक एनएसयूआई के पदाधिकारियों की हमने गठन किया है। कार्यकर्ता बूथ स्तर तक, सेक्टर स्तर तक जाकर के काम करने का काम करेंगे और इस चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में समर्थन के लिए और जयचंदों का जो धोखा है इसको खोलने का काम करेंगे। जो आज सांसद ने प्रेस वार्ता रखी, आत्मनिर्भर अभियान को लेकर कई योजनाएं गिनाई, इस विषय में आप सांसद के बारे में क्या कहेंगे? सांसद जी टोटल हवा में हैं, जमीन पर कम है, हवा में ज़्यादा है। मैं उनसे बस यही कहूँगा, जमीन पर आओ और हकीकत देखो कि महाराष्ट्र से जब मजदूर निकले थे और रेलवे की पटरी पर जिनकी मौत हुई वो मध्य प्रदेश के मजदूर थे। जमीन पर आओ, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हो, जरा ग्रामीण अंचल में जाके देखो वहाँ कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा, उस पर आप अपना काम करने की को। पिछले चुनावों में युवाओं की प्रमुख भूमिका थी, युवाओं ने कांग्रेस पार्टी को मतदान दिया था और सरकार बनाई थी। इन जयचंदों ने गद्दारी करके उनको सरकार को खरीदी हुई सरकार बनाने का काम किया, उस सरकार को गिराने का काम किया। तो इन जयचंदों ने जो किया, इन उपचुनावों में युवा इस बात का जवाब देगा और अपने साथ हुए विश्वासघात के लिए बदला लेगा। जनता ने 25 सीटों पर ही मैंडेट दिया था कांग्रेस पार्टी को, तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि जनता के साथ जो इन्होंने धोखा किया है, विश्वासघात किया है, 25 की 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर क्या कांग्रेस का परचम लहराएगा? मैं कह तो रहा हूँ कि 25 की 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जनता के दिल में तो कांग्रेस है ना, ये जयचंदों ने ही तो धोखा दिया, जनता के दिल में कांग्रेस है।